नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम आपके। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर सहित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेटर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थानों को भी उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को जैश ए महमूद का जम्मू कश्मीर एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया, 1 अक्टूबर की शाम हनुमानगढ़ के सुपरिटेंडेंट को एक लेटर मिला है। लेटर में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बूंदी, अलवर, उदयपुर को उड़ाने की धमकी मिली है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था। हनुमानगढ़ स्टेशन पर सर्च किया गया, वहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हनुमानगढ़ GRP थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस हर आने जाने वाले की जांच कर रही है। बीकानेर GRP थाना अधिकारी ने बताया, बीकानेर रेलवे स्टेशन सहित सभी 7 रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इन सभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और GRP पुलिस के साथ ही सुरक्षा बल भी तैनात किए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। बीकानेर DRM कार्यालय के PRO धुनीलाल कुमावत ने बताया, संबंधित स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। उधर श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोपहर 12 बजे श्री गंगानगर पुलिस, GRP और RPF संयुक्त रूप से स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाएंगे। धमकी देने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का जम्मू कश्मीर एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। लेटर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थानों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हनुमानगढ़ स्टेशन अधीक्षक को मंगलवार शाम को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जगत नारायण के नाम से एक पीले रंग का लिफाफा मिला। उस पर डाक की मोहर थी। स्टेशन अधीक्षक ने लेटर खोला तो गोल मोहर में पोस्ट ऑफिस कोड 14440 और पंजाबी में कुछ लिखा है। लेटर पर हनुमानगढ़ पोस्ट ऑफिस की 30 सितंबर की मोहर है। अंदर पुराने लाइनदार कागज पर धमकी लिखी हुई है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।